एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप लोग का मेरे चैनल पे नए वीडियो में। तो जी, मैंने नहा लिया है और सारे काम मेरे हो गए हैं और यहाँ पे पूजा भी हो गया है मेरा और किचन में खिचड़ी भी मैंने चढ़ा दिया है। बस उसके लिए जो सब्जी गोभी वगैरह डाल के बनाएंगे, अभी गोभी निकल रहा है, मटर तभी आ नहीं रहा, तो वही सब सब्जी मिलाना है, तो उसके लिए जा रही हूँ मैं मसाला वगैरह रेडी करने। तो सारे काम हो गए, सुबह जल्दी जग जाओ तो जल्दी जल्दी सारे काम हो जाते हैं। और यहाँ पे हस्बैंड जी कर रहे हैं वीडियो पब्लिक, जो कि अभी 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 तक मुंह हाथ तक नहीं धोए सही से। तो भाई पब्लिक कर रहे हैं क्योंकि जो कि आज आप लोग देखेंगे और आज अभी देख भी चुके होंगे जब तक ये ब्लॉग जाएगा। तो मैं जाती हूँ किचन में क्योंकि जल्दी जल्दी खाना बना लूँ, भूख लग गया, जल्दी जगो जल्दी भूख लग जाता है, तो इसलिए। ये मेरा कुकर जो है वो दाल पूरा निकाल दे रहा है, पता नहीं क्या हुआ है। इसका साथ सीटी खराब हो गया है, तो कभी कभी तो ऐसा होता है ना, सीटी पूरा निकल जाता है और पानी पूरा करने लगता है, तो ऐसे हो जाता है कभी कभी। तो अभी मैं मिलती हूँ आप लोग से, थोड़ा सब्जी वगैरह काट लूँ चाय वगैरह के बाद। और आज है सैटरडे, तो मेरे यहाँ खाना बन गया है खिचड़ी, तो और उधर बन रहा है पापड़। खिचड़ी चोखा पापड़, तो इधर बन गया है बहुत ही डिलीशियस खिचड़ी, लग रहा है मैं तो मजा आ जाएगा आज तो। इधर पापड़ चोखा, सादा चोखा आज हमें खाने का मन किया, ऐसे फ्राई खाते हैं। पापड़ अभी छना रहा है, और कुछ है क्या? और कुछ यही है, और कुछ जो है सो ये है। तो चलिए हम लोग जाते हैं खाना खाने, खाना खाने के बाद आप लोग जस्ट मिलते हैं दोबारा से। खिचड़ी खाओ तो ऐसा, नहीं तो नहीं खाओ, नहीं तो मत खाओ, वो सादा वाला हमें मजा नहीं है, थोड़ा सा मसाला वसा डल जाता है ना, तो टेस्ट ही बढ़ जाता है और इसका कलर भी बहुत ही अच्छा है और खाने में टेस्ट भी उतना ही जितना एक कलर से आपको दिख रहा होगा। बहुत ही अच्छा खिचड़ी बना है, आप लोग भी बनाए खाइए हफ्ते में एक बार ऐसे ही। हम लोग खाना खा के, तो अभी आज दोपहर के 1 बज रहे हैं और अभी हम लोग खाना वगैरह सब कुछ खा लिए, मतलब सुबह का ही खाए हैं, लेट से खाए हैं क्योंकि हस्बैंड जी लेट से जगे हैं। तो अभी हम लोग को जाना है मार्केट क्योंकि आज बहुत टाइम से मेरा काम पेंडिंग था, मुझे टेलर के पास जाना है और हस्बैंड जी को छुट्टी नहीं था। सो वहीं मैं आप लोग को दिखाती हूँ क्या करने, मेरे को टेलर के पास जाना है अभी। तो आज हस्बैंड जी को छुट्टी मिला है और मैं बहुत टाइम से ये काम रखी हुई थी करने के लिए, तो अभी मैं आप लोग को दिखाती हूँ मेरे को क्या कराना। वैसे मैं जो भी छोटे मोटे काम होते हैं या ब्लाउज वगैरह स्टिच करना है वो तो मैं खुद से कर लेती हूँ, बट मेरे को चेन लगाने नहीं आता है फ्रॉक वगैरह में। तो ये मेरे पास एक फ्रॉक सूट था, मैं सीधा करके दिखा, फ्रॉक सूट है पूरा अनारकली टाइप, आप लोग देख सकते हो। और इस सूट में क्या करना है ना, इस सूट में कॉलर था जो कि मैंने यहाँ से निकाल दिया है। इस सूट को मेरे को गला बनवाना है, कॉलर वाला मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, तो इसका गला बनवाना है मुझे, पीछे से थोड़ा सा बड़ा करना है, इसको ज्वाइंट करा देना है और पीछे में यहाँ चेन लगवाना है। तो ये एक इसका काम, ये एक गाउन है जिसका मैंने पूरा हड्डी वगैरह खोल खाल के रखा है क्योंकि इसमें पफ दिया था जो कि पफ अच्छा नहीं दिया था, सो मैंने निकाल दिया था। इसमें भी मुझे चैन लगवाना है, तो ये दोनों का ये काम कराना है मुझे और बहुत टाइम से ये दो काम पेंडिंग थे। तो ये कुछ मेरे थे और हस्बैंड जी के भी बहुत सारे काम पेंडिंग में हैं, उनको भी सिलवाना है कपड़े और शादी वगैरह भी आ रहा है, सो मैं दिखाती हूँ क्या क्या सिलवाना है। तो ये दो हैं सेट हस्बैंड जी के, शर्ट पैंट के और ये पैंट, इसमें का शर्ट सिलवा लिए हैं तो ये सब भी सिलवाना है। और ये रहे मेरे जेंटलमैन जो कि ये देख रहे हैं, नाप ही देना है ठीक है, देख लीजिए ऊपर फॉर्मल शर्ट और नीचे। तो जी हम लोग आ गए हैं मार्केट से और देख रहे हैं गर्मा गर्म जलेबी, और ये जलेबी यहाँ पे राजस्थान से लोग आके कुछ रेडी वगैरह पर लगा रहे हैं, वही का है। राजस्थान की टीम आई है, बोलो राजस्थान की टीम आई है जलेबियां बनाने, टेस्टी है, टेस्ट भी अच्छा है, अच्छा अच्छा बनाता है, चीनी थोड़ा कम है ठीक है।
बर्थडे पार्टी में जा रहे हैं और ज्यादा भीड़ लगन तो ऐसे क्योंकि छठ के बाद से ही छठ के बाद से कहाँ गोधन के बाद से लगन शुरू हो जाता है और बहुत सारा लगन एक साथ पड़ा है, शादी सगाई छेका बराशा बहुत ज्यादा भीड़ था हम लोग को, तो और भी शॉपिंग करना था बट हम लोग नहीं गए हैं, सोचे हैं कि नवंबर बाद जाएंगे, बाकी हम लोग कपड़े लेके आ रहे हैं, हस्बैंड जी के भी दे के आ रहे हैं, अपने भी दे के नवंबर के बाद भी लगन है, नवंबर के बाद भी लगन है, लगन तो है बट थोड़ा कम होगा, हीरो बहुत अच्छा टेस्ट है जलेबी का, राजस्थानी भैया अगर आप देख रहे होंगे बहुत बढ़िया है।